तो सर इस वीडियो में आप हमको क्या दिखाने वाले हो? इस वीडियो में मैं आपको अपना आर्चरी सेक्शन दिखाऊंगा जी। पर मेरे को ऐसा लग रहा है आपके तीर में कि आप मेरी जान लेने वाले भाइयों की जान नहीं लेंगे, दुश्मन की जरूर ले लेंगे जी। दुश्मन की ले ले, बिल्कुल। हाथ में ऐसा ही लग रहा है ना जैसे कि मेरे पे चलाने वाले। तभी तो उसको नीचे करके रखा है। इलेक्ट्रॉनिक है क्या? नहीं नहीं, ये तो है तो ऐसे ही है जी, बट ये एज अ गन टाइप है। अच्छा, गन टाइप है। हाँ, तो इसका जैसे ये ट्रिगर है, तो ये इसको पीछे को इसका स्ट्रिंग खींच के तो ये लोड हो जाता है जी। अच्छा, बंदूक की तो तरह, बंदूक की तरह है ये। इसका लॉक सिस्टम है सेफ एंड फायर का। कितने की आती है ये? मैं फौरन से मंगवाया था जी मैंने ये। अच्छा। हाँ, यहाँ तो मिलता नहीं है ये। तो ये इसमें कितने 5 तीर लगे आते हैं? 6 आते हैं जी। अच्छा, वहीं से आते हैं साथ में? वहीं से आते हैं। अगर हम चाहें तो ऑनलाइन मंगवा भी सकते हैं जी। मंगवा भी सकते हैं, बिल्कुल जी। देवी राजा, आप इधर आ जाओ। आप भी चला लेते हो? कितनी बार निशाना लगाया उसमें? बहुत बार लगाया। चलो आज लगा के दिखाओ। लगा के दिखाओ। इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, थोड़ा पास में आ जाओ। एरोजमेंट दे देख। आगे आ जाओ, आगे तीर जा नहीं पाएगा। नहीं, तीर तो चले जाता है प्रदीप भाई, इसका काफी फोर्स है जी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। ओ, बच गया, बच गया। अभी प्रैक्टिस किए को भी काफी टाइम हो गया इसको, तो पहले तो ये काफी अच्छा लगा लेता था, है ना? जैसे इसको एम देखते थे तो प्रैक्टिस मांगती है। हाँ जी, बिल्कुल प्रैक्टिस मांगती है। बिल्कुल बिल्कुल। और 9 नंबर में लगा जी अभी। एक बात और है प्रदीप भाई, बड़ों से ज्यादा बच्चे जल्दी सीखते हैं। अच्छा। हाँ, जब हम लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन से पिछले साल 2 दिन पहले ये लेके आए थे। अच्छा, ये? हाँ जी, ये टारगेट वगैरह भी सारा कुछ, और ये इसका बो भी और एरोज भी। ओके, आओ सर, आप आओ। हाँ जी, आप लाओ अपनी बंदूक। इसको क्रॉसबो बोलते हैं वैसे तो। हाँ, जो इसकी भाषा है तो उसमें इसको क्रॉसबो बोलते हैं जी। तो ये तीर निकाल के लोड करने पड़ते होंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लोड करना पड़ता है। वैसे तो इसके साथ एक स्ट्रैप आता है, उससे ये खींचते हैं, बट जैसे हमारा अभी तजर्बा हो गया तो हम हाथ से ही खींच लेते हैं इसको। ये इतनी स्पीड से जाता होगा, मेरे को लगे अगर आदमी में लग जाए तो पार निकल जाए। कम से कम ये अगर 3 आदमी एक लाइन में खड़े हो तो तीनों के आर पार निकल जाएगा जी। देखें, ट्राई करके बुला 3 आदमी। सेट बैठा? हाँ जी। टाइम पास का, निशानेबाजी सीखने का सही, बहुत बहुत सही सिस्टम है जी। जैसे हंटिंग वगैरह के लिए भी काफी अच्छा है। तो मैं जैसे अभी हंटिंग तो हम कहीं पे करते नहीं है, जैसे मैं इधर उधर से काफी एम वगैरह लेता रहता हूँ इसका टारगेट का। ओके। कि अगर शिकार यहाँ पे है तो यहाँ से एम लेना है, यहाँ पे है तो यहाँ से एम लेना है, तो अलग अलग एम बोर्ड की वो डायरेक्शन चेंज कर देते। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओ, सेट बैठा। हाँ जी, अब लाओ, मैं लगा के दिखाता हूँ। हाँ जी, आओ, आओ आप पकड़ो इसको। इससे लगाओगे और उससे? इससे लगाऊंगा। ओके। बंदूक तो कहाँ चलेगी। ओके। आप इधर पकड़ो कैमरा के। हाँ जी, हाँ जी, लाओ दो। कैसे पकड़ना? जुगाड़ ऐसे, है ना? हाँ, लाओ ऐसे नहीं, ऐसे। अच्छा, इसके ऊपर? हाँ, यहाँ से बस यहाँ नीचे इसको खींचू है। हाँ जी, खींच के, बिल्कुल जी, खींच के और बाइनी आंख बंद करके उसका एम लो। लगा क्या? लगा 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 लगा, लाओ। पेपर में लगा? कुछ पेपर में लगना चाहिए कि बीच में लगना चाहिए? बीच में लगना चाहिए। वैसे तो एम हमारा बीच का ही है, 10 नंबर तो बीच के ही है जी। जब ये आदमी मरेगा यार। हाँ।
लगा क्या? नहीं, पेपर के बाहर चला गया जी। चलो अच्छी अच्छा आइटम है। हाँ जी हाँ जी, इंजॉयमेंट के लिए अच्छा है। तो हम सर्दियों में काफ़ी प्रैक्टिस वगैरह इसका करते हैं, अभी गर्मी की वजह से बाहर निकलना ही मुश्किल है। बाकी लोगों के सीखने के हिसाब से भी बढ़िया है। हाँ जी, सीखने और इन्जॉयमेंट के हिसाब से, जिन्होंने कभी ऐसा चलाया नहीं प्रोफेशनल एरो एंड बो, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, तो वो आके काफ़ी खुश होते हैं इसको चलाकर। ये रामलीला होती है उसमें यही देने चाहिए अपने में। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं वो तो मार देंगे क्या ना किसी ना किसी को। कितने का पड़ता होगा ये? एक कम से कम 10,000 का एक पड़ता था जी। 10,000 का? हाँ जी हाँ जी। तो इसका क्या वो चार्ज वगैरह रहता है जैसे जो लोग आते हैं उसके लिए? वो हम तो वेरी रीजनेबल प्राइस लेते हैं, ओनली 50 रुपीज लेते हैं फॉर 10 शॉट्स। एक शॉट का 10 शॉट्स? 10 शॉट का। हाँ, चाहिए 10 बार तीर मारने का? 10 बार 50 रुपए दे के 10 बार तीर मार ले। 10 बार मार ले? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लोग मारते हैं क्या? हाँ मारते हैं, बहुत खुश होते हैं मार के। फिर वो दोबारा से जिसको चस्का पड़ जाता है फिर तो वो हमारा पक्का ग्राहक बन जाता है। आता होगा? हाँ, फिर दूसरे तीसरे दिन वो आता है, उसको लालच पड़ जाता है कि यार नहीं वो उस वहाँ पे। मेरे को लगता है आपके यहाँ जब मौसम अच्छा रहता होगा। हाँ जी, तब मेरे को लगता है ज्यादा लोग आते होंगे और एक मौसम भी सुहाना। अभी तो जैसे हाँ, गर्मी का गर्मी है, जैसे शाम को 5 बजे से लोग आना काफी शुरू हो जाते हैं जी। शाम को फिर काफी यहाँ पर रश होता है विजिटर्स का। अभी तो रश है पूल वालों का, शाम को विजिटर्स का काफी रश होता है जी। ओके हाँ जी। चलो आज मैंने पहली बार तीर मार के पहली बार स्क्रीन पे दिखाया। वैसे आपका फार्म काफी अच्छा बना हुआ है। थैंक यू भाई। और जो भी लोग हैं जो यहाँ पर आना चाहें तो मैं कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में सर के डाल दूंगा, तो जो भी लोग आना चाहें तो एक बार यहाँ पर जरूर आए। स्विमिंग पूल जैसे कि सब जगह बंद है तो यहाँ स्विमिंग पूल का मजा ले। रेस्टोरेंट वगैरह रहने करने का सब इंतजाम है। बिल्कुल। तो जो भी लोग गुजरात आने वाले हैं अपने जो घोड़े वाले हैं बिल्कुल वो भी एक बार यहाँ पर बता रहे। जरूर जरूर। ओके थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू।